Hello student, today I am going to teach you Home Science chapter number 6 part 2. Environment. Air pollution. Simran was suffering from chronic cold and cough for the last 1 year. She had breathing problem. The doctor diagnosed that she has bronchial asthma due to smoke and dust. Simran was allergy to smoke and dust. She was living in a rented house in a congested industrial locality. Doctor advised her to shift to a cleaner and pollution-free environment. As she changed her living environment, her health improved. Simran पिछले एक साल की लंबी लंबे समय से खांसी जुखाम से पीड़ित है. उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है. डॉक्टर ने उसकी जांच और जांच करने के बाद पाया कि उसे धुएं और धूल से बहुत तकलीफ हो रही है और उसको दमा हो गया. सिमरन को धुआं और धूल से बहुत एलर्जी है. वो एक इंडस्ट्रीज वाले भीड़ भाड़े इलाके में किराए से रहती है. डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो जो है उस एरिया से निकलकर साफ सुथरे और पोल्यूशन फ्री एरिया में जाके रहे. और जैसे ही उसने डॉक्टर की सलाह मानी और वो अच्छे वातावरण वाले क्षेत्र में रहने के लिए गई, वैसे ही उसके स्वास्थ्य में, उसके हेल्थ में सुधार होने लगा. वी नो दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर. ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंड ऑन इट फॉर लाइफ. हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है. सभी जो जो जीवित हैं या जीवन के लिए इस पर निर्भर हैं. मानव तथा जानवर, ह्यूमन बींग एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द डे. प्लांट टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. जैसे मैंने बताया, मानव तथा जानवर सांस लेते समय ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. दिन के समय में पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं. दिस हेल्प इन मेंटेन अ बैलेंस इन द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. इफ थिंग्स रिमेन दिस वे देयर इज नो प्रॉब्लम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन एंड अराउंड सिटी द एयर दैट वी ब्रीथ इन कंटेन वेरियस पोल्यूटेंट्स. इस प्रक्रिया से वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के जो है संतुलन बना रहता है. परंतु अधिकांश समय, विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्रों में तथा इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं या जगहें हैं, में जिस वायु में सांस हम लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण समाये रहते हैं. ठीक है. सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. Various activity are worth examining because this are major cause of air pollution. The process of combustion causes smoke which may come from burning of household fuel, burning of coal in thermal power stations, exhaust from automobiles, bursting of crackers, smoke from factories, spraying of insecticides and pesticides through airplanes spreads the poisonous substance in a large area of the atmosphere. Use of solvent and spray paints also polluted environment. All these sources produce so much smoke that it is difficult to breathe. Smoke also affected our eye and caused blindness.
वायु प्रदूषण के स्रोत मनुष्य की विभिन्न जो गतिविधियां की हम जांच करते हैं, जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होती है। ये वायु प्रदूषण कई कारणों से होते हैं, जैसे कुछ चीजें जलाने की जो प्रक्रिया है और उनसे निकलने वाले धुएं से, ताप बिजली या घरों में जो कोयले को जलाते हैं और गाड़ियों के धुएं, पटाखों के जलने से, फैक्ट्रियों से और जो प्लेन्स के माध्यम से, और कीटाणुनाशक दवाओं से, कृमि नाशक के छिड़काव से, और इन सबसे निकलने वाला जो धुआं है वातावरण के बड़े क्षेत्र में जहरीली पदार्थों को फैलाता है। और हम कह सकते हैं जो स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है, कि सभी जो स्रोत हैं इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि इसके कारण सांस लेना कठिन हो जाता है और धुआं हमारी आंखों को भी प्रभावित करता है। और कई बार इसके कारण हम कई लोग नेत्रहीन या हम कह सकते हैं अंधे हो जाते हैं। नाउ डोंट यू थिंक दैट ह्यूमन बीइंग आर द मेन कल्प्रिट इन कॉजिंग पॉल्यूशन। बिसाइड ह्यूमन बीइंग there are some natural sources of pollutions too. We don't have control over this pollutant. This include gases emitted from volcanoes, gases produced during forest fire, and dust which spread with the wind. अब तक जो हमने बताया कि अब तक क्या आपको नहीं लगता कि प्रदूषण जो है, इस प्रदूषण का मुख्य दोषी सिर्फ इंसान ही नहीं है, मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक स्रोत भी हैं जो प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं। इनमें है जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाली गैसें हैं, या जंगल की आग से उत्पन्न गैसें और धुएं जो वायु के साथ फैलते जाते हैं। To sum up, we can say source of air pollution, so natural combustions, industrial, agriculture and solvent. So natural में सबसे पहले है volcanoes and forest fire and combustions है smoke, industrial में smoke and poisonous gases, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स फ्रॉम स्मेल एंड इंसेक्टिसाइड्स, सॉल्वेंट में स्प्रे, पेंट्स एंड फ्यूम्स। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं, तो जो नेचुरल हम जिसको कहते हैं प्राकृतिक, तो ज्वालामुखी और जो अंदर ही जो ज्वालामुखी होते हैं उसको हम दावानल भी कहते हैं हिंदी में। फिर है कम्बस्टन्स को हम ज्वलन या जलने वाली चीज, धुआं, इंडस्ट्रियल या जो भी इंडस्ट्रीज है, और स्मोक एंड पॉइजनर गैसेस, धुआं और जहरीली गैसें। और एग्रीकल्चरल में है जो कीटाणुनाशक जो दवाएं डालते हैं खेतों के लिए, खेतों में वो सारी चीजें हैं। और सॉल्वेंट में है जो मिल जाते हैं पेंट और फ्यूम। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, लेट अस नाउ सी सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ड्यू टू पोल्यूशन द प्लांट्स गेट लेस सनलाइट, देयर बाय अफेक्टिंग देयर फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिस ऑल्सो ब्लॉक एंड bores of leaves and restricted plant respiration process. You have already read that pollution affected the respiratory system of human beings. It lead to disease like bronchitis and asthma, certain type of skin and eye allergies like rashes and redness are also common. Pollution affected the environment in a
dreadful manner. You must have heard that sometimes serious accidents are caused due to poor visibility, due to fog, also due to the presence of pollutions like smoke and dust in the air. This is called smog. वायु प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है या कम मिलता है, जिसके कारण उनकी जो भोजन निर्माण करने करने की जो प्रक्रिया है उसको वो प्रभावित होती है, और इसके कारण ही उनकी पत्तियों में छेद हो जाता छेद बंद हो जाते हैं और पौधों की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है रुक जाती है. आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि प्रदूषण मनुष्य के जो सांस लेने का जो है उसको प्रभावित करते हैं. इसके कारण मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है, दमा जैसे रोग हो जाते हैं. इस प्रदूषण के कारण त्वचा व आंखों में एलर्जी हो जाती है, जैसे शरीर पर कुछ लोगों को रेडनेस आ जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं. प्रदूषण हमारे वातावरण को बहुत ही प्रभावित करते हैं, गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं. हमने सुना होगा कि कई बार धुएं के कारण खराब मौसम हो जाता है और दिखाई नहीं देता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और कई बार खराब धुएं धुआं और धूल के कारण जो पोषक जो क्या बोलते हैं प्रदूषण है इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके कारण कई दुर्घटनाएं होने लगती हैं, कोहरा हो जाता है. ड्यूरिंग गल्फ वॉर इन 1990 and 91, द स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ ऑयल फील्ड लीड अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एरिया दैट इन टर्न डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड स्पॉइल द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग रिजाइंस. वर्ष 1990 से 91 के जो खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के धुएं में लगी आग के कारण निकलने वाले धुएं से आसपास के तापमान का स्तर अत्यधिक बढ़ गया था, जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं या जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए थे और प्राकृतिक सुंदरता भी समाप्त हो गई थी. इफेक्ट एयर पोल्यूशन. सो फर्स्ट ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनवायरमेंट. ह्यूमन बींग आई इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी. प्लांट डिक्रीज इन फूड प्रोडक्शंस. एनवायरमेंट पुअर विजिबिलिटी, राइज इन टेम्परेचर, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशंस एंड नेचुरल ब्यूटी. सो मनुष्य पर जो पड़ता है वो है आंखों में जो तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एलर्जी होते हैं, और जो है शारीरिक इम्यूनिटी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर पड़ता है. प्लांट्स में जो है फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है और पर्यावरण में खराब वातावरण हो जाता है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी सुंदरता चली जाती है. वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. थिंक ऑफ द वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. यू कैन डू इट थ्रू द फॉलोइंग. यूज अ स्मोकलेस चूल्हा एट होम. प्रोवाइड अ टॉल चिमनी टू द चूल्हा टू कैरी द स्मोक अवे. यूज अ बायोगैस विच इज स्मोकलेस फ्यूल. यूज अ सोलर कुकर एट होम विच यूज हीट फ्रॉम द सनलाइट. फैक्ट्री शुड हैव चिमनी फिल्टर. This will help in trapping the poisonous substance in the gases that are let out by the factories. Factories emitting smoke must be located far away from the residential area. Vehicles must be fitted with special device to reduce air pollution. Use unleaded petrol and CNG. फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. गार्बेज शुड नॉट बी बर्न. सो ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट है वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. सो स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है. ओके, थैंक यू.